नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हर्ष बंसल। दोस्तों आपका स्वागत है YouTube चैनल मिस्टर ग्रोथ में। शायद मैं ऐसा पहला यूट्यूबर होऊंगा जो अपने घर की चोरी का लाइव वीडियो आप सबके साथ शेयर कर रहा हूंगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको सेफ्टी के लिए कुछ टिप्स देना है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे दो व्यक्ति चोरी करने के इरादे से हमारे घर में घुसे और कैसे उन्होंने हमारे 6 महंगे मोबाइल चुरा लिए और कैसे वो चोर पकड़े गए। सारा कंप्लीट आपको लाइव भी दिखाऊंगा और इसके साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से पुलिस का सहयोग मैंने किया उन चोरों को पकड़ने में और किस तरह से हरियाणा पुलिस ने अपनी छानबीन करके उन दोनों चोरों को पकड़ा और हमारे 6 में से 5 मोबाइल हमें वापस मिल गए। देखिए, ये घटना है 10 अगस्त 2016 की। सबसे पहले दोनों ये चोर गली में से क्रॉस करते हुए दिखाई देते हैं जो कि घर के बाहर लगे मेन सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में रिकॉर्ड हो जाते हैं। इसके बाद ये पड़ोसियों की छत से हमारे घर की छत के रास्ते से घर में एंटर करते हैं। उस दिन मेरी तबीयत खराब होने की वजह से हम डोर लॉक करना भूल गए थे और उनको भी शायद उसी दिन आना था तो उनको घर में एंटर करने का मौका मिल गया। तो वो छत के रास्ते से घर में एंटर हुए। सबसे पहले एक लंबे कद का व्यक्ति कमरे में एंटर होता है और ये दो साथी थे। एक साथी छत पर ही रुका रहता है और दूसरा छत के रास्ते से नीचे सबसे पहले घर की लॉबी में प्रवेश करता है। ध्यान से इधर उधर देखने के बाद देखता है कि सब सो रहे हैं या नहीं। इसके बाद अच्छी तरह से छानबीन करने के बाद पहले वो एक कमरे में जाता है और वहाँ हमारे 2 मोबाइल चुरा लेता है। इस तरह से फ्रेंड्स, उसने हमारे सभी रूम्स में से सारे महंगे मोबाइल चुरा लिए। उसने लगभग 6 मोबाइल हमारे चुरा लिए। तो फ्रेंड्स, जब हम सुबह उठे और हमने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी तो फ्रेंड्स हमारे पैरों तले से तो ज़मीन खिसक गई। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, आप सब घर में मौजूद हो तो शायद आप ये चीज़ सोच भी नहीं सकते कि आप घर में सोए हों और कोई इस तरह से आपके मोबाइल बिल्कुल आपके बेडरूम में आपके बेड के पास से चुरा कर ले जाए। इन चोरों को पकड़ने में सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाया सीसीटीवी कैमरों ने और हरियाणा पुलिस के आईजी सर द्वारा स्पेशल ये मामला मार्क किया गया। सीआई स्टाफ एंड पुलिस ने 5 दिन के अंदर अपनी कड़ी छानबीन करके इन दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया और हमारे 6 में से 5 मोबाइल वापस मिल गए। मैंने भी पुलिस का भरपूर सहयोग किया जितना हो सकता था। मैंने फ्रेंड्स हर गली के सीसीटीवी कैमरे जिनके भी घरों में लगे थे सबकी फुटेज अच्छी तरह से इन 5 दिन के अंदर चेक की और जो भी मेरे को सुराग मिल पाए उनसे वो भी मैंने पुलिस के साथ शेयर किए। हमारा जो एक मोबाइल हमें नहीं मिला उसके लिए भी फ्रेंड्स मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसका IMEI नंबर ट्रेस नहीं करवाया, इस वजह से वो मोबाइल हमें नहीं मिल पाया। ये आपके उस सवाल का भी आंसर है जो मोस्टली मुझे कॉमेंट में क्वेश्चन करके पूछा जाता है कि सर, हम किसी भी मोबाइल की लोकेशन कैसे निकाल सकते हैं IMEI नंबर से। फ्रेंड्स, IMEI नंबर से मोबाइल ट्रेस करने की हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं होती। मैंने लिनोवो कंपनी में भी काफ़ी रिक्वेस्ट की लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद उन लोगों को समझाना है जो अच्छे खासे पैसे होने के बावजूद भी सीसीटीवी जैसी जरूरी चीज़ों पर पैसे खर्च करने से कतराते हैं। आपका बजट अच्छा हो तो आप भी अपने घर पर सीसीटीवी कैमरे जरूर लगवाएं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखकर शायद कुछ लोग अपने घर पर सीसीटीवी कैमरे लगवाएं। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुंच पाए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।